हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मिक्स ऑफ ऑल कंक्रीट ग्रेड। दोस्तों मैं आज बताऊंगा कि जो रेशियो होता है सभी कंक्रीट ग्रेड का, जो नॉर्मल मिक्स हम तैयार करते हैं जब मिक्स डिजाइन करते हैं तो उनका जो रेशियो लिया जाता है, जो रेशियो नॉर्मल मिक्स डिजाइन में क्या होता है दोस्तों, रेशियो उसके फिक्स हैं कि कितना कितना हमको रेशियो लेना है अलग अलग ग्रेड के हिसाब से। तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नॉमिनल मिक्स फॉर ऑल कंक्रीट ग्रेड, कि सभी कंक्रीट ग्रेड का रेशियो जो है वो याद करने की मैं ट्रिक बताऊंगा दोस्तों आज मैं, कि इनको किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उसके बाद दोस्तों इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो है रेशियो इसमें दिया गया है। तो सिंपल है दोस्तों, आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि M5, M7.5, M10, M15, M20 और M25 लिखेंगे, और ये लिखने के बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखने के बाद दोस्तों जो सीमेंट दिया हुआ है, सीमेंट में सब में हम सीमेंट एक एक भाग लेंगे, तो सब में वन 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 कर देना है। M5 जो ग्रेड दिया है तो उसमें सीमेंट का पार्ट वन लेंगे, वो M7.5 में सीमेंट का पार्ट वन लेंगे, M10 में सीमेंट का पार्ट वन लेंगे, M15 में सीमेंट का पार्ट वन, M20 में सीमेंट का पार्ट वन, M25 में सीमेंट का भाग जो है एक भाग लेंगे सीमेंट। इसके बाद दोस्तों हमको सैंड का किस तरह से पता करना है कि रेशियो क्या होगा सभी ग्रेडों के लिए, तो सिंपल है दोस्तों, हमको क्या करना है कि नीचे से M25 से हमको ऊपर की तरफ बढ़ते क्रम में चलना है। सबसे पहले हमको M25 में 1 लिखना है, फिर इसके बाद दोस्तों M20 में 1.5 लिखना है, M15 में 2 लिखना है और M10 में दोस्तों 3 लिखना है और M7.5 में 4 लिखना है और M5 में दोस्तों 5 लिखना है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है वो किस तरह से निकला। और इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है कि एग्रीगेट का रेशियो निकालना है हमको। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो एग्रीगेट रहता है वो सैंड का दुगुना रहता है, जितना सैंड रहेगा हमारा उसका जो है वो दुगुना रहेगा, एग्रीगेट जो हम यूज करेंगे नॉमिनल मिक्स में वो सैंड का दुगुना रहेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि M25 का है तो M25 में आपका सैंड कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1 दिया हुआ है, और 1 को हम यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो 2 आएगा, और इसके बाद M20 का दिया हुआ है तो M20 का दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें 1.5 है, सैंड का वैल्यू जो है रेशियो 1.5 है, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इसके बाद M15 का देखिए 2 दिया हुआ है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा दोस्तों। इसके बाद 10 का दिया है तो 10 का 3 दिया है तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई तो 6 आएगा, और M7.5 का 4 दिया है दोस्तों तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और M5 का दिया हुआ है 5, सेंड का जो रेशियो दिया है तो M5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10 आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं, ये याद करने की ट्रिक है कि M5 का जो है 1, 5, 10 है, और सिंपल आपको याद करना है नीचे से हमको ऊपर बढ़ते क्रम में। तो जैसे M25 का है तो 1, 1, 2, M20 का है तो 1, 1, 1.53, M15 का है दोस्तों तो 1, 2, 4, M10 का है तो 1, 3, 6, M7.5 का है तो 1, 4, 8, M5 का है तो 1, 5, 8। और यह कि आप ऊपर से याद करेंगे तो जैसे M5 दिया हुआ है ग्रेड में तो सीमेंट का तो सबका भाग जो है सीमेंट में, सीमेंट का एक ही भाग है सभी में, सभी ग्रेडों के लिए। तो आप क्या करेंगे कि जो M5 है तो M5 का मतलब इसमें 5 जो दिया है तो सीधे आप समझिए कि 5 को आप सैंड मान लीजिए, यहाँ M5 है तो सीमेंट तो एक ही भाग रहेगा, तो आप क्या करेंगे कि M5, अब 5 पता चल गया तो 5 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो क्या करेंगे 1, 5, 10, मतलब 1, 5, 1:5:10 हो जाएगा। फिर 7.5 में तो आप उनको पता है कि ये M5 के बाद 7.5 आएगा, तो इससे बढ़ते क्रम में आएंगे हम, सीमेंट का तो वही रहेगा तो M7.5 में 1, 4, 8, M10 का 1, 3, 6, M15 का बढ़ते क्रम में 1, 2, 4, M20 का 1, 1, 1.53, M25 का 1, 1, 2। तो
इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका सभी का रेशियो पता करेंगे और जो रेशियो इसका फिक्स है तो वो हम रेशियो रिमेम्बर कर लेंगे माइंड पे, और ये ट्रिक है इसका रेशियो याद करने का। इसके बाद इसमें दिया हुआ है वेयर एम इज मिक्स। अब हमको समझना है दोस्तों कि एम फाइव जैसे लिखा हुआ है तो एम एम का मतलब होता है मिक्स, एम फाइव ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है तो एम फाइव एम का मतलब मिक्स हो गया है कि मिक्स है, और जो फाइव दिया हुआ है दोस्तों वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है वो। तो जैसे एम फाइव है तो एम फाइव का 5 Nm/mm² कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो जाएगी दोस्तों, एम 7.5 का 7.5 Nm/mm² कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी, एम 10 का 10 Nm/mm² हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एम 15 का 15 Nm/mm² हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और एम 20 का भी 25 का भी उसी तरह से 25 Nm/mm² हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका रेशियो हम रिमेम्बर कर सकते हैं।